हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 27 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आर्टिकल आया है वो आज है पोषण अभियान के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि पोषण अभियान को लेकर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसकी सेकेंड मीटिंग हुई थी दिल्ली में। तो उसमें उसके नए कुछ नए इनिशिएटिव वगैरह हैं वो लिए गए हैं और डिफरेंट फेजेज यहाँ पे स्टार्ट करने की बात है वो की गई है। तो हमारे लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है पोषण अभियान। तो इसके बारे में जो कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हो जाता है। देखो, बेसिकली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी स्टार्टिंग इस अभियान की वो की गई थी। एक फैक्ट तो हमें ये ध्यान रखना है। अब स्टार्ट कब किया गया था, बेसिकली स्टार्ट किया गया था 8 मार्च 2018 को राजस्थान से इसे गवर्नमेंट ने लॉन्च है वो किया था भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका मेन मोटो ये था कि हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन के जो प्रॉब्लम है, कुपोषण की जो समस्या है, इससे निपटने के लिए। क्योंकि हमारे देश में अगर देखा जाए तो कुपोषण की समस्या काफी गंभीर है। लोगों की जो हाइट है वो सही नहीं है, लोगों का वेट वगैरह की इश्यूज, काफी सारे इश्यूज यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब हेल्थी डाइट है वो यहाँ पे फोकस उस पर कम किया जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा इस अभियान को बेसिकली चलाया गया था। और देखा जाए तो हमारे देश में जो वुमेन है उनमें एनीमिया, मतलब ब्लड की कमी से जो रोग होता है वो लगभग 50% से भी ज्यादा है। मतलब वुमेन में एनीमिया रोग है वो बहुत भारी मात्रा में पाया जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने यह अभियान चलाया है ताकि वुमेन को यहाँ पे एम्पावर हो किया जा सके। इसके साथ सभी को इसमें इंक्लूड है बेसिकली किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने। जो अभी सेकेंड मीटिंग हुई थी इसमें एक नया डिसीजन ये लिया गया कि हर साल सेप्टेम्बर मंथ को नेशनल न्यूट्रिशन मंथ है वो बनाया जाएगा। मतलब नेशनल न्यूट्रिशन मंथ है वो घोषित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सितंबर को यहाँ पे क्या है वो फैक्ट्स आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ की बात आती है तो होता है यहाँ पे सितंबर। अब इसके देखो और फीचर्स अगर हम देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है हमारे देश में, मतलब कुपोषण की जो समस्या है, इससे निपटने के लिए मल्टी मोटर इन्वेस्टमेंट का फोकस है वो किया गया है। मतलब काफी सारे स्टेक होल्डर हैं उनको यहाँ पे साथ लेके चला गया है। स्वयं हेल्प ग्रुप है उनकी भी सहायता ली गई है, इसके साथ डिफरेंट एनजीओ हैं उनके द्वारा भी, और जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनके द्वारा, मतलब जो डिफरेंट छोटे छोटे स्टेक होल्डर हो गए हैं उनके साथ लेके गवर्नमेंट ने प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड है वो किया है। मेन मोटो गवर्नमेंट का यही है कि भाई टेक्नोलॉजी और भी जो नए टारगेट्स वगैरह हैं उनकी हेल्प से माल न्यूट्रिशन की समस्या को हमारे देश में खत्म हो किया जा सके। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने इसमें ब्रेस्ट फीडिंग को भी प्रमोट किया है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है, एक से दो साल तक के जो बच्चे होते हैं बेसिकली, उनमें जो प्रॉब्लम होती है उसका मेन इश्यू यही होता है कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग वो ढंग से नहीं करवाएगी है। इसीलिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है ताकि बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जा सके और उनकी हेल्दी लाइफ है उसको सिक्योर किया जा सके। अब आगे दो तीन फीचर्स और टारगेट हम और देख लेते हैं। देखो, जो पोषण अभियान है इसका बेसिकली टारगेट यहाँ पे किया गया था वो क्या गया, एक तो स्टंटिंग किया गया था, इसके बाद में अंडर न्यूट्रिशन और एनीमिया जो वुमेन में काफी भारी मात्रा में होता है, इसके साथ ही जो लो बर्थ वेट है इनकी समस्या है इंडिया में बच्चों में, उसके ऊपर भी फोकस है वो किया गया। अब आपको यहाँ मैं दो चीजें बताने जा रहा हूँ, एक तो होता है वेस्टिंग और एक होता है यहाँ पे स्टंटिंग, STUNTING। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि काफी बार दोनों वर्ड में कंफ्यूजन हो जाता है। वेस्टिंग का मतलब ये है कि जितनी हाइट है ना उसके अकॉर्डिंग वेट नहीं है, सीधा सीधा मतलब ये है। वेस्टिंग का मतलब ये ध्यान रखना है कि जितनी हाइट है ना उसके अकॉर्डिंग वेट नहीं है, और स्टंडिंग का मतलब ये हो गया कि लो हाइट है एज के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी आपकी एज, जैसे मान लो कि आपकी एज है 18 साल, तो 18 साल के अकॉर्डिंग आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट, आपकी हाइट है 4 फीट, तो वो हो गया स्टंडिंग की प्रॉब्लम। वेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि जितनी आपकी हाइट है, जैसे मान लो कि आपकी हाइट है 5 फीट और आपका वेट है वो है ओनली 30 किलो, तो वो गया वेस्टिंग में काउंट है वो हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, दो इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाते हैं काफी बार इनमें कंफ्यूजन है वो हो जाता है, तो दोनों वर्ड को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें इन्वेस्टिंग और जो स्टंटिंग है इन दोनों को भी फोकस है वो किया गया है। इसमें फोकस किया गया है कि जो स्टंटिंग है उसको भी 2% कम किया जाएगा। इसके साथ ही बात की गई है कि जो अंडर न्यूट्रिशन की समस्या है, मतलब बच्चों में कुपोषण ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर खाना डाइट वगैरह नहीं मिल रही है, तो उसको भी 2% कम करना है। एनीमिया है उसको यहाँ पे 3% है, ये आपको ध्यान रखना है। एनीमिया का जो टारगेट है बच्चों में वो 3% रखा गया है, क्योंकि एडोलेसेंट जो गर्ल होती है या फिर जो वुमेन होती है उनमें देखा जाए तो ब्लड की काफी कमी हो जाती है, तो ये काफी ज्यादा फोकस इस पे किया गया है। इसके साथ ही जो लो बर्थ वेट के बच्चे पैदा होते हैं उनको भी 2% यहाँ पे हर साल है वो कम किया जाएगा, उनका परसेंटेज है वो यहाँ पे हमें टारगेट है वो ध्यान रखने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। इसके साथ ही एक मिशन का टारगेट ये भी रखा गया है
कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं ना उनके अंदर जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम है उसको 38% अभी देखा जाए तो रिसेंटली हमारे देश में, तो उसको अभी कम किया जाएगा, 2022 तक 25% तक लाने का टारगेट है वो रखा गया है। तो ऐसे यूपीएससी की बात कहेंगे 2-3 स्टेटमेंट दे देती है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वहां हमें पता होना चाहिए। अब देखो वैसे तो 2-2% कम करना है हर साल पर एनम की बात यहाँ पे की गई है, बट ये ध्यान रखना की जो एनीमिया की बात है वो यहाँ पे 3% पे की गई है कि एनीमिया है वो हर साल 3% की रेट से हमें कम करना है। और बात आ गई यहाँ पे स्टंटिंग की, तो हमने देख लिया कि 2022 तक 25% तक लाने की बात यहाँ पे की गई है। तो ये कुछ फीचर्स वगैरह हैं जो कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकती है, तो हमें इनके बारे में ध्यान है वो रखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो आई है इन्वेस्टमेंट इंडिया को लेकर, इन्वेस्ट इंडिया कॉन्सेप्ट को लेकर आई है। यह जो एक ज्वाइंट एमओयू है वो साइन किया गया अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में। आपको पता है कि अभी इंडिया है वो वर्ल्ड की एक तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इंडिया लगातार ग्रो कर रहा है, इसलिए इंडिया लगातार बाकी और अदर कंट्रीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है ताकि इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा आगे जा सके। तो अभी रिसेंटली इंडिया है वो फ्रांस के साथ यहाँ पे एक टाइप है एमओयू उन्होंने साइन किया है। देखो बेसिकली इन्वेस्ट इंडिया का मेन मोटो क्या है, इन्वेस्ट इंडिया का मेन मोटो यही है कि हमारे देश में जो बिजनेस का माहौल है ना वो प्रमोट किया जा सके, नए नए स्टार्टअप्स है, नए नए जो इकोसिस्टम नए नए स्टार्टअप्स हो गए उनके लिए इकोसिस्टम तैयार होना चाहिए, नए नए कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे काफी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस की बात है उसको भी यहाँ पे प्रमोट है वो करने की बात की गई है। इसके साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल जो एक्सपीरियंस है वो भी दोनों कंट्रीज के बीच में शेयर होगा। देखो जब इंडिया का इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें फ्रांस में जाएगा और फ्रांस का जो इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आ रहा है तो दोनों कंट्रीज के बीच में क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, दोनों कंट्रीज को अनुभव होगा कि यार वहाँ पर कौन कौन से चैलेंज है। देखो इंडिया के अंदर देखा जाए तो अलग तरीके के चैलेंज है और यूएस वहां देखा जाए फ्रांस के अंदर तो वहां अलग तरीके के चैलेंज है, तो दोनों ही इकोनॉमी को अगर हम समझेंगे तो हमें रियल जो चीजें उनका पता चलेगा, क्योंकि हमारे देश में जो मेन प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन की और वहां पे जो प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन की नहीं है, वहां पे और अन्य तरह की प्रॉब्लम है, छोटी कंट्री है, लैंड लॉक्ड, काफी सारे अलग अलग इश्यूज वहां पे आते रहते हैं यूरोपियन कंट्रीज में बेसिकली, तो वहां से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। मतलब एक तरीके से दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करेंगी तो दोनों को फायदा होने वाला है, नुकसान यहाँ पे किसी का भी नहीं है। ऑल ओवर बेनिफिट ये होगा कि दोनों कंट्री की इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी, जिससे इंडिया को बेनिफिट होना ही होना है और फ्रांस को भी बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं जो इन्वेस्टमेंट टू इंडिया या जो इन्वेस्ट इंडिया जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा चलाया गया है। देखो एक इंडिया में नॉन प्रॉफिट एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटी एजेंसी, ये एजेंसी है इसके द्वारा बेसिकली इन्वेस्टमेंट इंडिया प्रोग्राम है वो चलाया गया है। अब ये जो कंपनी बनाई गई थी नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटी एजेंसी, ये कंपनी है ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट वेंचर है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है वो आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत। जैसा कि हमने काफी बार डिस्कस किया है कि जैसे कि जो कॉपीराइट के एग्रीमेंट होते हैं या फिर जो ट्रेडमार्क की बात होती है, इस तरह के जो इनोवेशन वगैरह के काम होते हैं वो बेसिकली आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें ध्यान रखने क्योंकि काफी बार न्यूज में आते रहते हैं तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब बात करें जो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटी एजेंसी है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है पूरी, इसके साथ साथ इसके और भी स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि जो फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसकी भी यहाँ पे 51% हिस्सेदारी है। इसके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी भी यहाँ पे हर स्टेट का 0.5% हिस्सेदारी है, ताकि सभी स्टेट्स हैं वो भी अपने जो इंटरेस्ट हैं वो भी यहाँ पे रख सकें और उनका भी समाधान यहाँ पे हो सके। बात करें हम DIPP की तो उसका यहाँ पे 35% हिस्सा है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है, तो आपको हिस्सा वगैरह तो याद नहीं रखना है, बट ये पता होना चाहिए कि भाई अकेला कॉमर्स मिनिस्ट्री का ही नहीं है, ऐसा नहीं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं बनाया, इसके साथ और भी स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने सबने मिलकर इसको बेसिकली बनाया गया, बस कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ही अपनी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे परफॉर्म है वो करता है। तो ये इसका जो फैक्ट्स है वो हमने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2018 को लेके। देखो लोकसभा से ये बिल है वो पहले पास हो गया था और अभी राज्यसभा से भी पारित है वो हो गया है। ये बिल जो है जो नेगोशिएशन जो इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2018 है, इसने 1881 का जो एक्ट था या 1881 का जो कानून बनाया गया था इसको उसको यहाँ पे भी चेंज है वो किया गया है। तो अभी राष्ट्रपति की यहाँ पे सेट है वो मिलना जरूरी है, जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी तो उसके बाद ये कानून है वो बन जाएगा। बेसिकली है किससे रिलेटेड ये हमें थोड़ा यहाँ पे पता होना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बिल है वो बेसिकली इससे रिलेटेड है कि देखो बैंकों के अंदर जब हम चेक वगैरह जमा करवाते हैं तो कई बार चेक बाउंस हो जाते हैं, चेकों का पेमेंट नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में जिस भी पार्टी ने चेक जारी किया है उसको भाई सजा तो होनी चाहिए ना कुछ, क्योंकि उसके वजह से अगले का जो पेमेंट वगैरह ड्यू वगैरह रहता है काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो इसमें बेसिकली ये प्रावधान किया गया है कि भाई जो भी अधिकार होंगे ना मैक्सिमम जो राइट होंगे अधिकार वो यहाँ पे कोर्ट को दिया गया, कोर्ट जैसा करेगी वैसा
यहाँ पे निर्णय वो क्या जाएगा, उन्होंने अगर फर्जीवाड़ा किया है तो कोर्ट उसके अकाउंट से यहाँ पे एक्शन वगैरह लगी। बेसिकली इसमें प्रावधान ये किए गए हैं कि कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, इसके साथ ही पेनल्टी वगैरह वो दी जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पे फीचर्स हैं वो किए गए हैं। तो ये हमें थोड़े ध्यान रखना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल 2018 किससे रिलेटेड है। ज्यादा कुछ देखो फिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जब एडिटोरियल आने वाला है ओबियसली इस पे तो हम यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से डिस्कस है वो ब्रीफली कर लेंगे कि जो जो डायमेंशन हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हो जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वो है कुंभ मेला के बारे में। तो कुंभ मेला को लेकर देख लेते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट ईयर 2019 में कुंभ मेला है वो इंडिया में, आपको पता है हर साल ओबीसी हर साल तो क्या बोलेंगे हम, 4 साल में एक बार आयोजित होता है जगह जगह, और वैसे तो जो मेन कुंभ का मेला है वो होता है 12 साल में एक बार। तो अगले साल 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में इलाहाबाद में कुंभ का मेला आयोजित है वो होना है। और आपको बता दूं कहाँ कहाँ आयोजित होता है इंडिया में, एक तो ये भी इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 12 साल में केवल 4 जगह पर आयोजित होता है, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, उज्जैन में और नासिक में। तो इस बार जो नंबर आ रहा है 12 साल में वो आ रहा है इलाहाबाद का, मतलब इलाहाबाद में कुंभ का मेला आयोजित है वो होना है। तो अब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्चुअली इसकी पहचान है वो बनाना चाहती है, फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ पे प्रमोट करना चाहती है ताकि फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा आए। देखो अगर फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो इंडिया को इससे एक तो क्या होता है, इंडिया को इससे तो एक तो फॉरेन रिजर्व है वो मिलता है इंडिया को, इसके साथ साथ इंडिया के अंदर और भी जो लोग हैं उनको यहाँ पे बिजनेस करने के लिए माहौल मिलता है, इंडिया की जो कल्चर है उसके बारे में लोग जानते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होते हैं अगर इंडिया में टूरिस्ट आते हैं तो। तो इसीलिए आपको बता दूं गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई इसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट है वो किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि हर साल जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस आता है, तो पहले ही प्रवासी भारतीय दिवस होगा उसके दौरान इसको प्रमोट किया जाएगा और उसके साथ साथ ही फिर कुंभ का मेला स्टार्ट हो जाएगा, तो दोनों को प्रमोट किया जाएगा। ऑल ओवर मोटो ये रहेगा कि भाई इंडिया में जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको प्रमोट किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पे आए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए और हो जाता है वो ये है कि जो कुंभ का मेला है ना इसको यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जिस पे यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकती है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म के बारे में। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म के बारे में देखो कंटेक्स्ट ये है कि मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म है उनको 100 साल पूरे कंप्लीट हो गए, 1919 में बेसिकली ये एक्ट आया था, तो आज आपको पता 2018 है तो पूरे के पूरे 100 साल हो गए, उसी को लेके इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस है वो क्या गया। तो थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री को लेके कॉन्सेप्ट है, तो एक बार हम थोड़ा इसको रिवाइज भी कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के तौर पे, और जो फैक्ट्स हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं मोटे मोटे कि भाई मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म क्या थे। देखो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म है इनको बेसिकली 1919 एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया का जो मैग्ना कार्टा है उसके नाम से भी बेसिकली इसको जाता है, इसके साथ ही साथ इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 2-4 नाम है ये आपको ध्यान रखना किससे रिलेटेड है। बात करें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की इसका मतलब यह मॉन्टेग्यू आपको पता है उस टाइम पे इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और चेम्सफोर्ड थे वो थे इंडिया के वॉइसरॉय, तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे रिफॉर्म लाए थे क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे काफी ज्यादा माहौल खराब हो गया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म ही हुआ था, इसलिए इंडिया वालों की डिमांड कुछ ज्यादा थी कि भाई हमें ऐसे ऐसे ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, हमें तो फ्रीडम मिलनी चाहिए, बट अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो उन्होंने थोड़े बहुत 2-4 रिफॉर्म लाके इंडिया को रूल रेगुलेशन और टाइट करने की कोशिश की ताकि इंडिया वालों को यहाँ पे बेवकूफ बनाने की कोशिश है वो की जा सके। तो अब इसके द्वारा क्या क्या जो एक्शन है क्या क्या इसके सामने रिजल्ट है वो हम देख लेते हैं क्योंकि यूपीएससी यहाँ से फैक्ट्स है वो उठाती है। देखो पहली बात तो ये है जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म थे इसमें फेडरल स्ट्रक्चर को प्रमोट है वो किया गया था, तो ये चीज ध्यान रखने की संघीय ढांचे को यहाँ पे प्रमोट है वो क्या कहता। इसके बाद में बात ये आती है कि सेंट्रल और जो प्रोविंस जो प्रांत थे उस टाइम पे उन दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया गया था, पहले सारे जो प्रोविंस थे सारे जो एक्चुअली जो सब्जेक्ट थे वो आते थे सेंट्रल में, बट अब क्या कर दिया गया सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग कर दिया गया, स्टेट लिस्ट अलग बना दी गई और जो सेंट्रल की लिस्ट है वो अलग बना दी गई थी, ये बेसिकली यहाँ पे किया गया था। खैर वो अलग बात है कि जो मेन सब्जेक्ट थे वो सेंट्रल लिस्ट में रखे गए थे, जो पावर थी वो प्रोविंस वालों के पास कुछ भी नहीं थी। इसके साथ ही अहम बात यह है कि डाईआर्की को लागू किया गया था प्रांतों में। डाईआर्की का मतलब यह था कि जो भी एक्चुअली जो सब्जेक्ट बनाए गए थे ना स्टेट लिस्ट के या प्रोविंस लिस्ट के उसके अंतर्गत क्या कि जो मेन सब्जेक्ट थे वो तो उन्होंने अपने पास रख लिए और जो बच्चे कुछ टुचपुंजे थे वो उन्होंने क्या कर दिए इंडियन वालों को दे दिए, इंडिया के जो मंत्री वगैरह थे स्टेट के अंदर उनको दे दिए, मतलब कहीं ना कहीं जो दोहरी पद्धति है शासन की उसको उन्होंने यहाँ पे प्रमोट है
वो किया। इसके बाद में बात उन्होंने क्या किया कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड है वो उन्होंने यहाँ पे लेके आए, किस किस के लिए, सिखों के लिए, वो जो भारत में जो ईसाई रहते थे उनके लिए, इसके साथ जो एंग्लो इंडियन और जो यूरोपियन थे उनके लिए अलग चुनाव प्रणाली है वो यहाँ पे वो लोग सामने लेके आए। तो ये चीज मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं डिवाइडेशन का रूल है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले। अब यूपीएससी यहाँ पे क्या पूछ लेगी कि मुस्लिमों को उन्होंने यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रोन दिए, नहीं भाई ऐसा नहीं, यहाँ पे मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो बस ऐसे इफेक्ट हमें ध्यान रखने हैं। यूपीएससी की बार ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेती है। चलो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली कब लेके आई गई थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सबसे पहले कब आई थी। इसके बाद में बात यह है कि सेंट्रल का बजट है वो उन्होंने अलग रखा, इसके साथ जो प्रोविंस या जो स्टेट थे उनका बजट उन्होंने अलग अलग कर दिया। मतलब बजट एक साथ नहीं था, स्टेट का अलग उन्होंने एक साइड कर दिया। देखो आपको एक चीज बता दूं, उस टाइम पे स्टेट को बेसिकली प्रोविंस के नाम से जानते थे, तो आप कहीं कंफ्यूज मत होना, कुछ जगह स्टेट लिखा रहते हैं कुछ जगह प्रोविंस, तो अब दोनों का मतलब एक ही है, बट बेसिकली उस टाइम पे प्रोविंस वर्ड का यूज है वो किया जाता था। इसके साथ ही बात हम करें कि इसके अंदर काफी रिकमेंडेशन वगैरह भी दी गई थी और उसी के आधार पे 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज कमीशन है उसका निर्माण किया गया था। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो 1919 का जो एक्ट था उसके बाद ही बेसिकली 1926 में बनाया गया था। इसके बदले में क्या मिला, इंडिया वाले बिल्कुल भी खुश नहीं, तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म का। इसके बदले में इंडिया को रोलेट एक्ट मिला था जिसके बारे में आप अच्छे से वाकिफ हो। तो ये थी बेसिकली मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म के बारे में छोटी सी तस्वीर जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।